नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के माध्यम से लेखपाल का जो भर्ती होने वाला है उसमें आप लोग को ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक लेखपाल का भर्ती आया नहीं है, नवंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। तो अक्टूबर तक लेखपाल का भर्ती आ जाएगा और नवंबर में एग्जाम आपका हो जाएगा। तो सितंबर में आपको पता है कि 20 तारीख से पहले या 25 तारीख तक आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा और 28 सितंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन भी आ सकता है लेखपाल का, ठीक है। क्योंकि उनको 1 महीने का टाइम चाहिए होगा लेखपाल के फॉर्म को फिल करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा। मुझे लगता है जहाँ तक 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए लेखपाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ बिल्कुल आपको ऑफिशियल बताएंगे कि आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला हुआ है और ये भी वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट ही निकालती है और लेखपाल का जो वैकेंसी निकला है वो भी यूपी गवर्नमेंट ही निकालती है। ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर में, ठीक है। तो जैसे डीसीए आप लोग करते हैं वैसे ही ट्रिपल सी भी होता है, बट डीसीए एडीसीए यहाँ काम नहीं करने वाला, यहाँ पे केवल ट्रिपल सी काम करने वाला है। तो देखिएगा लेखपाल में नहीं, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहला जो वैकेंसी है रिव्यू ऑफिसर का 46 पोस्ट निकला हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है कि बैचलर डिग्री जो होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से वो तो मांगा गया है, साथ में डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। डिग्री डिप्लोमा का मतलब क्या हो गया? बीसीए, बीटेक, एमसीए और कोई भी डिग्री होगा आपके पास कंप्यूटर साइंस में या डिप्लोमा भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब डिप्लोमा मतलब क्या होता है? डिप्लोमा मतलब क्या होता है? यहाँ देखिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ इंडिया मतलब यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये नहीं कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से कर लिया। डीसीए, एडीसीए, एडीसीए जो किसी भी इंस्टीट्यूट से वाले करवाते हैं वो सर्टिफिकेट यहाँ काम नहीं करेगा। सिंपल यहाँ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी से, किसी यूनिवर्सिटी से या तो आप बीसीए कीजिए या फिर डिप्लोमा कीजिए या फिर डिग्री कीजिए या फिर एमसीए कीजिए, कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का यही मतलब होता है। या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होगा तो ट्रिपल सी नहीं चाहिए होगा। अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तभी आपको ट्रिपल सी चाहिए होगा। मतलब अगर आपने सिंपल डिग्री किया हुआ है, बीसीए नहीं, बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, कॉमर्स किया हुआ है, मतलब बीकॉम कुछ भी किया हुआ है तो आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा में होना चाहिए। मतलब ये प्रमाणित करे कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। तो इन तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ में टाइपिंग के का जरूरत है तो टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंस रिव्यू ऑफिसर। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास या फिर एक क्वालिफिकेशन है, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी डिग्री होना चाहिए, जो बेसिक डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, साथ में डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, मतलब बीसीए, बीटेक, बीई या फिर एमसीए या एमटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी सभी को नहीं चाहिए, जिनके पास कंप्यूटर में डिग्री है या डिप्लोमा है वो बिना ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट से भी लेखपाल के भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ट्रिपल सी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेखपाल की भर्ती में अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल डिग्री है तो ट्रिपल सी के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आप लेखपाल में शामिल नहीं हो पाएंगे। ट्रिपल सी हो सकता है कि आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांग ले ट्रिपल सी का, तो उस समय करने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, अक्टूबर का ट्रिपल सी का अभी ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता होगा कि आवेदन कैसे करना है तो साइबर कैफे में जाइएगा, अगर
आप लोगों को खुद से करना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर 50 से ज़्यादा लाइक आ जाते हैं तभी मैं वीडियो बनाऊंगा ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।